अभी इस टाइप के एसिमेट्रिकल क्लाउड टाइप के मिरर बहुत ही ट्रेंडी है, तो वैसे ही मुझे मिरर को मेकओवर देना है पर थोड़ा अपना तड़का लगा के। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने DIY मिरर देखा होगा। मैंने प्लास्टिक के फ्रेम को निकाल के रोप की ब्रेडेड फ्रेम बनाई थी, तो उस फ्रेम को 4 साल हो गए थे, थोड़ी खराब भी हो गई थी, तो मैंने उसको निकाल दिया है। तो आज हम उसी मिरर का मेकओवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मिरर को ग्लू गन से MDF बोर्ड पे लगा दूंगी। मिरर अच्छे से लग गया है, तो अब मैं क्राफ्ट नाइफ से होल कर रही हूँ। मैं होल क्यों कर रही हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे तो इसमें ऑलरेडी होल्स है पर मुझे थोड़े और चाहिए। अब मैं ले रही हूँ वायर मैश जो विंडो में यूज होती है। इससे हम बेस बनाने वाले हैं। आपको ये इजीली हार्डवेयर स्टोर में से मिल जाएंगी या अमेजोन में भी मिल जाएंगी। इसमें छोटे और बड़े होल्स वाली मैश आती है। मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी बड़े होल वाली, तो मैं वो ही यूज कर रही हूँ। तो इसको ऐसे चारों साइड से मेजर करके कट कर देना है। चारों साइड की कट हो जाए तब 3 वायर से जो हमने होल्स बनाए थे उसमें अच्छे से टाई कर देना है। जब आप वायर से मैश को टाई करते हो तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी लूज ना रहे, क्योंकि यही हमारा बेस है, तो बहुत ही अच्छे से सिक्योर करना है। तो इसी तरह आपको चारों तरफ से मैश लगा देनी है। अब मुझे फ्रेम की 2 लेयर बनानी है, तो मैश की जो बाहर की साइड है उसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। अब उसको ही इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, जो मैश है उसको थोड़ी सी लिफ्ट मिलेगी। तो ये हो गया नीचे का लेयर। अब जो अंदर की तरफ वाली मैश है उसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है, तो वो बन जाएंगी फ्रेम का ऊपर वाला लेयर। तो इसी तरह से 4 साइड से मैश को फोल्ड कर देना है। अब सभी मैश की दोनों साइड को 45 एंगल से कट करना है, जैसे फ्रेम में होता है, और उसको आपस में 3 वायर से लगा देना है। अब आप मैश को जैसा भी शेप देना चाहते हो वैसा दे सकते हो। तो हमारा बेस बन के रेडी है। अब मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी और पानी का मिक्सचर। उसको हमें वायर मैश के ऊपर ऐसे लगाना है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ वायर के ऊपर, पर आप टिश्यू पेपर वेट करके भी लगा सकते हो, और जब टिश्यू पेपर ड्राई हो जाए तब उसके ऊपर वॉल पुट्टी अप्लाई कर सकते हो। नीचे की साइड में भी अच्छे से वॉल पुट्टी अप्लाई कर देनी है। वॉल पुट्टी ड्राई होने के बाद सैंड पेपर से सैंड कर देना है। मिरर के ऊपर जो वॉल पुट्टी लगी है उसको वेट क्लोथ से आप इजीली निकाल सकते हो। अब ये मिरर की फ्रेम का वेट बहुत ही ज्यादा हो गया था, तो जो फ्रेम है उसको MDF के बेस से ज्यादा सिक्योर करने के लिए मैं ये सुपर ग्लू यूज कर रही हूँ, जिसके 2 ट्यूब मिला के मिक्सचर बना के अप्लाई कर दूंगी। हमने जो वायर से होल में जो टाई किया था वहां पे मैं ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। लास्ट में मुझे इसको व्हाइट कलर ही रखना है, तो मैं व्हाइट पेंट लगाऊंगी और उसके ऊपर वॉर्निश अप्लाई कर दूंगी। तो इस तरह से आप मिरर मेकओवर कर सकते हो।
पर वेट, अभी एक स्टेप बाकी है जिसके लिए मैंने ये दो लेयर बनाए थे लाइट्स। तो मैं दो लेयर के बीच में फेरी लाइट्स लगा रही हूँ। अब जितनी ब्राइट लाइट लगाओगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं टेक्सचर्ड वॉल आर्ट। उसके लिए मैंने ली है MDF शीट जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले मैं दो लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद उसमें टेक्सचर करने के लिए मैं टेक्सचर पेस्ट यूज करूंगी। आप वॉल पुट्टी भी ले सकते हो। टेक्सचर पेस्ट या वॉल पुट्टी को इस तरह से पैलेट नाइफ से लिफ के ऊपर अप्लाई करना है। एक दिन के लिए मैंने ड्राई होने के लिए रखा था। अब मुझे बैकग्राउंड में गोल्डन लीव्स लगाना था, तो मैंने लगाना स्टार्ट किया लेकिन अच्छे से नहीं लगा। उसके बाद मैंने सैंड पेपर से उसे सैंड कर दिया और फिर से ट्राई करा। तो इस बार भी अच्छे से नहीं लगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा अब गोल्डन मेटालिक पेंट ही यूज कर देते हैं, पर पूरे बैकग्राउंड में नहीं। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट एक्रेलिक पेंट पूरे MDF शीट पे अप्लाई किया। उसके बाद मैं सेंटर में सर्कल बना रही हूँ। अब जो सर्कल है उसी में मैं गोल्डन पेंट लगाऊंगी। लीव्स और बाकी का जो एरिया है वो मुझे व्हाइट ही रखना है। अब आपके अकॉर्डिंग कलर्स कर सकते हो। तो आपको ये दोनों DIYs कैसे लगे वो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।